आखिर किस वजह से महेश बाबू ने ऋतिक रोशन की रामायण को छोड़ दिया? क्या होने वाली है रामायण की खास बातें? दोस्तों हाल ही में रामायण को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बिग बजट ये फिल्म है, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां उनमें शामिल है। और आपको बता दें कि इसमें दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन तो कन्फर्म है, ऋतिक राम बनेंगे, वही सीता का किरदार करेंगी दीपिका पादुकोण। और इससे साउथ की बड़ी हस्ती महेश बाबू का नाम भी जुड़ा था, लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो महेश बाबू ने कदम पीछे कर लिए इस बिग बजट फिल्म से, और कारण है एसएस राजामौली। जी हां दोस्तों, राजामौली के साथ महेश बाबू ने एक फिल्म साइन की है और ट्रिपल आर के सीधे बाद इसी फिल्म की तैयारियां शुरू की जाएंगी। जो डेट्स राजामौली की फिल्म की शूट के लिए उन्होंने दी है, उसी टाइम रामायण का शूट भी चल रहा है, यानी कि क्लैश हो गई है दोनों डेट्स। और अब राजामौली की जो फिल्म है उसको चूज किया है महेश बाबू के सामने भी बड़ी विडंबना थी, क्योंकि दोनों ही हाई बजट फिल्म होगी। जहां एक तरफ राजामौली जैसे बड़े डायरेक्टर है, वहीं एक तरफ बिग बजट फिल्म है रामायण, तो फिर महेश बाबू ने राजामौली की फिल्म को चुन लिया। वहीं फिल्म में रामायण के निर्माता मधु मंटेना भारत के सबसे बड़े स्टार्स को अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, जिस कारण से वो टॉलीवुड से लेके बॉलीवुड हर जगह तलाश रहे हैं। महेश बाबू द्वारा रामायण छोड़ने के बाद ऋतिक रोशन की उपस्थिति भी अब थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो ऋतिक रोशन जब तक फिल्म शुरू न कर दे तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि ये कन्फर्म है। ऋतिक रोशन ने बीते सालों में कई ऐसी फिल्में छोड़ी है जो बड़े बैनर की फिल्में हैं, बाद में इन्हें या तो बंद कर दिया गया या तो किसी दूसरे अभिनेता ने ये फिल्में कर ली। और ऋतिक रोशन के पास ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में हैं, वो क्रिश 4 के साथ आने वाले हैं, वॉर 2 उनकी आने वाली है, इसके अलावा उनकी एक वेब सीरीज भी आने वाली है। तो अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि रामायण में एग्जैक्टली कौन कौन दिखने वाले। वैसे आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।